नहीं बिल्कुल, पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और जैसे जैसे ये लहर जो है, जैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, इलेक्शन आपको सबसे बड़ी चीज़ लहर है, वो लहर जिताती है और लहर है आज। लहर इस बात की है कि संपत्ति भी है हरियाणा प्रदेश में, भय भ्रष्टाचार बेरोजगारी और महंगाई का जो शासन है उसको मुक्त करने के लिए आज जनता एकजुट भी है और एक नौजवान 25 साल की उम्र के नौजवान को जिताने का भी एक वो है। तो आज इस सीट पर नहीं, 10 की 10 सीटों पर बड़ा अच्छा माहौल है, बाकी जनता के हाथ में है। जनता से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि न्याय करें। आज चौटाला साहब को न्याय की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है, एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में डालें। नहीं, जनता RND को कई सारे कारण है वोट देगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर BJP का जनाधार नहीं है और आज भी आप देख सकते हैं उसका ये फैक्ट है कि वो सभी कांग्रेस के लोगों को खरीद फरोख्त कर करके अपने पार्टी से टिकट देकर के आगे बढ़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल 10 साल से विपक्ष में रहकर संघर्ष करती आई है, जनमानस के आम मुद्दों को उठा करके उनकी भावनाओं को जनता तक पहुंचाती आई है, चाहे वो किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, नौजवान साथियों की बात हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, खेलों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर हमने लड़ाई लड़ी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल एजेंडाज पे सोचें कि चुनाव जीत जाएंगे तो गलत है। हरियाणा के मुद्दों को तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाया है और मुद्दों को लेकर यहाँ से हम जाएंगे पंचायतों में, देश की बड़ी पंचायतों में उस मुद्दों को उठाएंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी को जनता बाहर निकालेगी, मोदी कोई नहीं है बाहर निकालेगा, मोदी कौन है बाहर निकालेगा, ओम प्रकाश चौटाला को जनता बाहर निकालेगी और जनता का तप, जनता का त्याग, जनता की ताकत, जनता की एकजुटता एक होके लगेगी तो मोदी जी को निकालना ही पड़ेगा और जनता इस देश की एक ऐसी व्यवस्था कायम होगी जिससे न्याय होगा और न्याय होगा तो अपने आप स्वयं वो बाहर आएंगे। तो आज अन्याय है, अन्याय का अंत होगा, ये कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर निकालेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल का चश्मे का निशान है, बरगलाने की बातें मत करें, कमल ओमल का कोई खेल नहीं है, चश्मे के निशान पे बटन दबाएं। हाँ, हम देश की नेशनलिस्ट सोच के लिए, विचारधारा के लिए, विजन के लिए जाकर उनको सपोर्ट करेंगे, एक अच्छे आदमी को सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दोराय नहीं, मोदी अच्छे आदमी है इसमें भी कोई दोराय नहीं, मगर ये कहना कि मोदी ही बाहर निकाल सकते हैं तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक डबल वो गेम खेलने के बराबर है, ऐसा नहीं है। चश्मे का निशान है, वो दबाओ, चौटाला साहब और जयसिंह की बाहर आएंगे।